नमस्ते दोस्तों। दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है जिसे चंद्रशेखर येलटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुलप्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहले तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सजा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया। इसके जो है अनुमानित कमाई वह 14 करोड़ रुपये का हुआ था। फिल्म का भाषा तेलुगु था जो कि 2021 में रिलीज किया गया था, उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी नमस्ते दोस्तों। दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है जिसे चंद्रशेखर येलटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुलप्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहले तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सजा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया।
इसके जो है अनुमानित कमाई वो 14 करोड़ रुपए का हुआ था। फिल्म कभासा तेलुगु था जो कि 2021 में रिलीज किया गया था। उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था लेकिन फिर भी नमस्ते दोस्तों। दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है जिसे चंद्रशेखर येलटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुल प्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनके पहले तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सज़ा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया। इसके जो है अनुमानित कमाई वह 14 करोड़ रुपये का हुआ था। फिल्म कभासा तेलुगु था जो कि 2021 में रिलीज किया गया था। उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था लेकिन फिर भी नमस्ते दोस्तों। दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो
और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है, जिसे चंद्रशेखर येलटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुलप्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहली तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है, जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सजा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया। इसके जो है अनुमानित कमाई वह 14 करोड़ रुपये का हुआ था। फिल्म का भाषा तेलुगू था, जो कि 2021 में रिलीज किया गया था। उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी नमस्ते दोस्तों। दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं, इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है, इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं, और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है, जिसे चंद्रशेखर येलटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुलप्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहले तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है, जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सजा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया। इसके जो है अनुमानित कमाई वह 14 करोड़ रुपये का हुआ था। फिल्म का भाषा तेलुगु था, जो कि 2021 में रिलीज किया गया था। उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी
नमस्ते दोस्तों दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है जिसे चंद्रशेखर येलिटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुल प्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहली तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सज़ा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया। इसकी जो है अनुमानित कमाई वह 14 करोड़ रुपये का हुआ था। फिल्म का भाषा तेलुगु था जो कि 2021 में रिलीज किया गया था। उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था लेकिन फिर भी नमस्ते दोस्तों दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है जिसे चंद्रशेखर येलिटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुल प्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहली तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सज़ा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया।
इसके जो है अनुमानित कमाई वह 14 करोड़ रुपये का हुआ था। फिल्म का भाषा तेलुगु था, जो कि 2021 में रिलीज किया गया था। उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी नमस्ते दोस्तों। दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं, इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है, इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं, और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है, जिसे चंद्रशेखर येलटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुल प्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहले तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है, जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सज़ा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया। इसके जो है अनुमानित कमाई वह 14 करोड़ रुपये का हुआ था। फिल्म का भाषा तेलुगु था, जो कि 2021 में रिलीज किया गया था। उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी नमस्ते दोस्तों। दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं, इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है, इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं, और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो
और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है, जिसे चंद्रशेखर येलटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुलप्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहली तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है, जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सज़ा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया। इसकी जो है अनुमानित कमाई वह 14 करोड़ रुपये का हुआ था। फिल्म का भाषा तेलुगु था, जो कि 2021 में रिलीज किया गया था। उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी नमस्ते दोस्तों। दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं, इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है, इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं, और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है, जिसे चंद्रशेखर येलटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुलप्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहली तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है, जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सज़ा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया। इसकी जो है अनुमानित कमाई वह 14 करोड़ रुपये का हुआ था। फिल्म का भाषा तेलुगु था, जो कि 2021 में रिलीज़ किया गया था। उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी
नमस्ते दोस्तों दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है जिसे चंद्रशेखर येलटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुल प्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहले तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सजा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया, इसके जो है अनुमानित कमाई वह 14 करोड़ रुपये का हुआ था। फिल्म का भाषा तेलुगु था जो कि 2021 में रिलीज किया गया था, उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी नमस्ते दोस्तों दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है जिसे चंद्रशेखर येलटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुल प्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहले तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सजा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया,
इसकी जो है अनुमानित कमाई वो 14 करोड़ रुपए का हुआ था। फिल्म का भाषा तेलुगु था, जो कि 2021 में रिलीज किया गया था। उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी नमस्ते दोस्तों। दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं, इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है, इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं, और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है, जिसे चंद्रशेखर येलिटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुल प्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहली तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है, जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सज़ा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया। इसके जो है अनुमानित कमाई वह 14 करोड़ रुपये का हुआ था। फिल्म का भाषा तेलुगु था, जो कि 2021 में रिलीज़ किया गया था। उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी नमस्ते दोस्तों। दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं, इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है, इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं, और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो
और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है, जिसे चंद्रशेखर येलटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुलप्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहली तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है, जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सज़ा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया। इसके जो है अनुमानित कमाई वह 14 करोड़ रुपये का हुआ था। फिल्म का भाषा तेलुगू था, जो कि 2021 में रिलीज किया गया था। उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी नमस्ते दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं, इसका नाम है चेक। तो दोस्तों, चेक जो है, इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं, और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है, जिसे चंद्रशेखर येलटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुलप्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहले तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है, जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सज़ा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया। इसके जो है अनुमानित कमाई वह 14 करोड़ रुपये का हुआ था। फिल्म का भाषा तेलुगु था, जो कि 2021 में रिलीज किया गया था। उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी
नमस्ते दोस्तों दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है जिसे चंद्रशेखर येलिटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुलप्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहले तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सजा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया, इसकी जो है अनुमानित कमाई वह 14 करोड़ रुपये का हुआ था। फिल्म का भाषा तेलुगू था जो कि 2021 में रिलीज किया गया था, उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी नमस्ते दोस्तों दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है जिसे चंद्रशेखर येलिटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुलप्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहले तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सजा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया,
इसके जो है अनुमानित कमाई वह 14 करोड़ रुपए का हुआ था। फिल्म कभासा तेलुगु था जो कि 2021 में रिलीज किया गया था। उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था लेकिन फिर भी नमस्ते दोस्तों। दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है जिसे चंद्रशेखर येलटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुल प्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहले तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सज़ा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया। इसके जो है अनुमानित कमाई वह 14 करोड़ रुपये का हुआ था। फिल्म कभासा तेलुगु था जो कि 2021 में रिलीज किया गया था। उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था लेकिन फिर भी नमस्ते दोस्तों। दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो
और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है, जिसे चंद्रशेखर येलिटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुल प्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहली तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है, जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सज़ा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया। इसके जो है अनुमानित कमाई वह 14 करोड़ रुपये का हुआ था। फिल्म का भाषा तेलुगू था, जो कि 2021 में रिलीज किया गया था। उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी नमस्ते दोस्तों। दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं, इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है, इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं, और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है, जिसे चंद्रशेखर येलिटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुल प्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहली तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है, जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सज़ा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया। इसके जो है अनुमानित कमाई वह 14 करोड़ रुपये का हुआ था। फिल्म का भाषा तेलुगु था, जो कि 2021 में रिलीज़ किया गया था। उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी
नमस्ते दोस्तों दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है जिसे चंद्रशेखर येलटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुल प्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहली तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सज़ा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया। इसके जो है अनुमानित कमाई वह 14 करोड़ रुपये का हुआ था। फिल्म का भाषा तेलुगु था जो कि 2021 में रिलीज किया गया था। उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था लेकिन फिर भी नमस्ते दोस्तों दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है जिसे चंद्रशेखर येलटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुल प्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहली तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सज़ा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया।
इसकी जो है अनुमानित कमाई वो 14 करोड़ रुपये का हुआ था। फिल्म का भाषा तेलुगु था, जो कि 2021 में रिलीज किया गया था। उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी नमस्ते दोस्तों। दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं, इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है, इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं, और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है, जिसे चंद्रशेखर येलटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुलप्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहली तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है, जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सज़ा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया। इसके जो है अनुमानित कमाई वह 14 करोड़ रुपये का हुआ था। फिल्म का भाषा तेलुगु था, जो कि 2021 में रिलीज़ किया गया था। उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी नमस्ते दोस्तों। दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं, इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है, इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं, और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो
और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है, जिसे चंद्रशेखर येलटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुल प्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहले तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है, जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सजा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया। इसके जो है अनुमानित कमाई वह 14 करोड़ रुपये का हुआ था। फिल्म का भाषा तेलुगु था, जो कि 2021 में रिलीज किया गया था। उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी नमस्ते दोस्तों। दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं, इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है, इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं, और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है, जिसे चंद्रशेखर येलटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुल प्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहले तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है, जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सजा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया। इसके जो है अनुमानित कमाई वह 14 करोड़ रुपये का हुआ था। फिल्म का भाषा तेलुगु था, जो कि 2021 में रिलीज किया गया था। उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी
नमस्ते दोस्तों दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने रिव्यू को लेकर आए हैं। तो ये जो रिव्यू हम करने वाले हैं इसका नाम है चेक। तो दोस्तों चेक जो है इसका कहानी क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, अभिनेता एक्टर्स कौन कौन से हैं और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये कब रिलीज हुआ था, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ था, कॉस्ट कितना लगा था, इसी के साथ इसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइंस हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा। तो अगर आप भी रिव्यू को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक जानकारी। चेक एक 2021 भारतीय तेलुगु भाषा की जेल ड्रामा फिल्म है जिसे चंद्रशेखर येलटी द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। वी आनंद प्रसाद की भाव्या क्रिएशन द्वारा निर्मित फिल्म में आपको दिखेगा नितिन, रकुलप्रीत सिंह, प्रिया प्रकाश वारियर, उनकी पहले तेलुगु फिल्म है, और सिमरन चौधरी हैं। नितिन ने आदित्य नाम के एक शतरंज खिलाड़ी की भूमिका निभाई है जो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है, और वह जेल में सजा काट रहे थे। यह फिल्म 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं फिल्म और यह बॉक्स ऑफिस फिल्म पर फ्लॉप हो गई। यह बॉक्स ऑफिस पर उतना हिट नहीं किया, इसकी जो है अनुमानित कमाई वह 14 करोड़ रुपये का हुआ था। फिल्म का भाषा तेलुगू था जो कि 2021 में रिलीज किया गया था, उतना ये हिट साबित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी